में आके लद्दाख के आर्टिस्ट से मिला, कैसा लग रहा है, आप क्या मैसेज देंगे? देखिए मैं अपनी बात करूँ बीइंग, मेरे को आर्चरी में 20 साल हो गए हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड मैंने एक्सप्लोर किया है, और आज गर्व होता है कि कहते हुए कि एक लद्दाख एक इंडिया का खूबसूरत हिस्सा है जो कि मैंने पहली बार आकर के देखा, विजिट किया, और एक देखने के बाद एक बीइंग आर्चर यहाँ के बच्चों में भी पोटेंशियल बहुत हैं, क्योंकि बहुत सारे जने ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं हाई एटीट्यूड पे, जितने फॉरेनर्स हैं वो ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं हाई एटीट्यूड पे, और हमारा लद्दाख कहने के लिए पूरा ही हाई एटीट्यूड इतना हाई पे है, तो यहाँ के जो जनरल बच्चे हैं वो तो यहाँ पे रहते ही हैं, तो उनके अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि अगर वो आगे बढ़ें तो इंडिया का नाम बहुत तेज़ी से ऊपर लेकर के जा सकते हैं, इतना पोटेंशियल है उनके अंदर। तो सर यहाँ पे जो आर्चरी में काफ़ी सारे यहाँ बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ा कमी है आर्चरी के लिए, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए कमी और अच्छी चीज़ दोनों ही चीज़ें होती हैं, अगर पोटेंशियल है कमी है, वही सबसे रिक्वेस्ट है, एमपी सर से रिक्वेस्ट है, फेडरेशन से रिक्वेस्ट है कि सबको मिलजुल करके काम करना पड़ेगा, अगर लद्दाख से आर्चर्स निकालने हैं, लद्दाख से स्पोर्ट्स पर्सन निकालने हैं, क्योंकि यही एक माध्यम होता है इंडिया का नाम रोशन करने का, एक गर्व फीलिंग मतलब वो करना कि सबको हरा करके हमारा देश सबसे आगे है, तो सबसे रिक्वेस्ट यही है कि एक टीम की तरह काम करें, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, और एक इस चीज़ का एडवांटेज लेना चाहिए हमें और आगे बढ़ना चाहिए, तो एमपी सर से रिक्वेस्ट है, लद्दाख गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, इवन फेडरेशन से रिक्वेस्ट है कि सबके सब एकजुल के मिलजुल करके काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा इनिशिएटिव लें और बच्चों को आगे बढ़ाएं, चाहे वो किसी भी गेम में हो, क्योंकि बढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। सर आर्चरी लद्दाख में एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट भी है, तो यहाँ पे काफ़ी आर्चर्स है, और आपकी तरफ से उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए मैं आज सेकेंड टाइम वर्ल्ड चैम्पियन बना हूँ, तो ये कहने में मुझे वो गर्व फीलिंग होता है, क्योंकि मेरे पूर्वज यहाँ के, हमारा ट्रेडिशनल इंडिया का है, लद्दाख इंडिया का हिस्सा है, और हमारे जीन्स में हमारे आर्चरी बसा हुआ है, तो हमें उस चीज़ का एडवांटेज लेना चाहिए, आगे ऐसे ही जितने हमारे जूनियर्स आ रहे हैं जितने हैं, तो जो पूर्वजों ने सिखाया है हमें उसको आगे लेकर के जाना है और आगे अच्छा और भी करना है। आने वाले टाइम पे क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप आके लद्दाख के यंग आर्चर्स को एक ट्रेनिंग या एक तरह का वर्कशॉप दें? देखिए अब आर्चर्स बिल्कुल उम्मीद करेंगे, बिल्कुल इनिशिएटिव लिया जाएगा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो दिल्ली से आएंगे जो बच्चे आएंगे, इवन इंडियन गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे हमारा सबका जो प्राइम प्लेयर्स हैं उनका कैंप्स यहाँ पे लगाया जाए, क्योंकि एक अपने आप में हमारे को एक हाइक मिलेगा यहाँ पे ट्रेनिंग करने से, और जिस हिसाब से यहाँ पे ग्राउंड पे हमें लेके गया, मैं आज विज़िट करा, हमारे लिए एक इंटरनेशनल एक्सपोज़र भी यहाँ पे हमें बढ़िया मिलेगा कि यहाँ पे आप खेल सकते हैं, यहाँ पे आप अपने परफॉर्मेंस अच्छी कर सकते हैं, साथ साथ यहाँ की जो यूथ निकल रहा है उनको गाइड भी कर सकते हैं। लद्दाख से दरअसल सस्पा सूखते तेने तंगपोरंग तेने जमलिंग इल्दाने मिंगचन दर देश सालपे की कश्योते तेने गजा एसोसिएशन मेंबर संग मानंग यम पो थुक्सते इजम स्पोस्पा सालते खों खों खोंरंग मा लद्दाख से गमा स्पोस्पा छोरदुक इचो हाई अल्टीट्यूड का गजा योंगचेस लम्मा जगा चाला पिन जमलिंग जगा मंगपे ना सोंगते गजे प्रैक्टिस चोस पिन मगर इचो सि जगा उन गजे फेमा ग्याला दुख जेते खों जुदुक तेने गजे मेन मकसद बतियो सम तेने खों संग मेगा खों इजो चोचेस को गतांग इ मंगजे शनि जुनु उस्ताल पागुनला खों चोस गुन थोंगत ना तेने गतांग जुनु गुनि ना मा स्पोस्पा स्केचे नोक समते इचो सि गजे टल डिग्री जात पिन तेने गजा एसोसिएशन मेंबर समय सोंग कला जैसे लद्दाख से ना मंगी इन मॉडर्न आर्चरी प्रैक्टिस चौकन आर्चर मंगपोते नेशनल इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन चोसते उत्पिन, लेकिन इन ना सौदे में दिसपेराते सौते जाने स्पेशल एरिया गेम्स स्कीम वो मैं ग्यार जूंग ना मेतकन चाचेस पे जाते ते उन कंटिन्यू चो मैन तयचे चानी कजुक नजांगी कने फेतेराल लंगाजे कने लास्ट रेलूस नजा इंटरनेशनल मेडल सिना लद्दाख पंगे इंटरनेशनल मेडल संगनते होता टोक्यो आजुगे सियोल ओलम्पिक ना ओलम्पियन आंग नेशनल रिकॉर्ड होल्डर मांगपो ता खों चोक्स आर्चर्स कौन वर्ल्ड चैम्पियन इनो दें खों ने स्पोर्ट्स पाता ते होपदुकी खों ने जर दुखी लद्दाख से ई डेस्टिनेशन लद्दाख से ई सचा वो खोन इफिया खोन ई हाई अल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर जी की छुल लजिक्स दुख तेनते वे कहना जे रेवा चुन के यूटी
एडमिनिस्ट्रेशन इंडो या आता एम पी साहब इंडो संगमा जे जू जूस थे ते वेका इनिशिएटिव जात चुक थे देने आता लद्दाख सी नंगा हाई अल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर जिगी आता गोजुक चोचे सीते छर्जी बेका जे मार्स अंटे चौंडुशन ते वेकानी का लद्दाख पर ठुकू मुन काउनी आता दर्शे सीना इना आता आर्चरी ना खोनी रंग आजुक कैरियर ऐसे कैरियर नैन इन समना ओजुक सेंटर जी गिर नंगाता है ग्यागर योदे मेदे आर्चर बचंगमा लद्दाख ला ट्रेनिंग चुआ यो नंगाता ठुकु ट्रेनिंग चुआ ये ई का दुकान इते सेंटर बे नंगाते हो ना स्पोस्पा मन पा खो ने कने मंगपो जी लोफशे सी स्काप थपचे दुगल ते फियता खो ने इस पेरा होने का नजे मार संटे नजे आजुक सोनते नजे ई का हाई अल्टीट्यूड आर्चरी ट्रेनिंग सेंटर जी डूब चुपचे सिंगाजे एसोसिएशन ही छोक ने देने एम पी साहब भी छोक ने गाजे संडूस चो चुपचे सिंगाजे माँ कोशिश संडे चुन का से ते माने आता ते आता गनमे आती लाम लुक्सोल जत वोश माने मानो ते चोकला हजे गन ला मॉडर्न आर्चरी टूर्नामेंट आता चैम्पियनशिप नंगपोंग एम्पोंग आता ट्रेडिशनल आर्चरी चैम्पियनशिप हंगाजे चुआपिन लेकिन ते जुंग बेनांगा हजे गेप चिकलूस तयचे शनितूस को ना लद्दाख आर्चरी एसोसिएशन आता जैसा ग्यागर जुंग ने एफिलेशन थोपते आता ता देम्बा एक एसोसिएशन जी डूबते नो ता सिर्फ ये ना मॉडर्न आर्चरी वो मान पांगाजे ट्रेडिशनल गति आर्चरी वो यंग वो मानी रिवाइव चोचे सी नजे छर्जी ना मजे मिक्जी ना आते उस पेरा उन नजर रंग एसोसिएशन ने ना डूलें दो गते वे ना पक्का गति लद्दाख सी ना आता है रिवाइवल जिक आता है मॉडर्न आर्चरी मान पांगाती ट्रेडिशनल आर्चरी वो यंग वो मान आता है मी छंग में ना कजू उंगला युल युल दर्शे छापिन तेना चोक लंगाता है लद्दाख से ट्रेडिशनल आर्चरी चैंपियनशिप चिक चोचे सिंह जे संभाई होते हैं कैसे ये नो तन तन नो लंगाता लद्दाख ची जेर नंगाता मा संटे नेग्लेक्ट सोंगते नो निरंगा इवो संते मा छरका योन गजे ई एसोसिएशन बंगाजे 2001 ने नंगाजे आर्चरी एसोसिएशन ऑफ लद्दाख जेन सुक्सपिन ते ने फलंगाते जम्मू कश्मीर जे एंड के आर्चरी एसोसिएशन ने नतांग लद्दाख से ले डिस्ट्रिक्ट को जुजुंगाजा एफिलिएशन तोंग जरते खोनी मतंग डिस्ट्रिक्ट चि खोने एफिलिएशन मतंग से जेना खोनाते जिक्री दुपिन कि नता ई एसोसिएशन बो एफिलिएशन चोस्ते न्यामपो बोरना टेक्निकली साउंड इन नाम आर्चर्स को नाता ग्यागर इन अची मिंचन आता मेडल्स ने ते ओटो इंटरनेशनल प्लेयर्स जो टो ते छंगमा रोब लद्दाख ने दुख ते वे जस्ते आता जम्मू कश्मीर आर्चरी एसोसिएशन बोकोरंग इमि छंगको कने नाती कने को गो समका ने चिकरी जी ना फोन इन आजा माने एफिलिएशन मासन ताई ना एमपी साहब थुक्सोन लंगाजा दक्सा माने यूटी क्यूर टेस्टिंग बने माने इन्ना माने रिसेंटली माने जब एम पी साहब क्यूरते तेनाल दा खाची की नंगा जाए एफिलेशन प्रोसेस चोसते नता आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एफिलेशन थोपते तंगाजे रेवा चुनकी गजे ताकजुक फाइनेंशियल एड चिक नता यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इफ यंग माँ मंगपो यूज पिन ई वो नता इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप चोसते माने नता योचे छानी ठुगु छंगमा आर्चरी ना ग्याला चो मियानो लद्दाख सिना पोटेंशियल दुख पोटेंशियल कजू दुख जे नंगानी नता ने नानमे दा लोंग इसम दा तंगचेस पे नाचम शिक नता नेशनल इंटरनेशनल मेडल थोपते उन्हें रेफरेंस था अंजिक तेने गजे ते और जेर पिन की ता योंचे शंतुस गुने नता गति ठुन मंग आई संग गोवा लेबो माने इंटरनेशनल नता ओलंपिक मेडल संग थोपचे सि ग्यागर ला रेवा चोन तेना चिया नता योंचे शं लोश ना टुकचे ने नति लद्दाख पे ठुगु जी की चिया मेडल्स मिनन ते मिगजी उनन ते ता गजे इबो मा ग्याला चोचे स्टोंडु जिंग गजे रेवा इन की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने छोस नंगा जा मा शंते रोक्स थोबिना समतेले थुकचे From Lata. Hip hip, hooray! Hip hip, hooray! Hip hip, hooray!